हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहां पर मैं आपको म्यूजिक क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तानपुरा। तो तानपुरे का उद्भव और विकास मैं आज आपको बताने वाला हूं। तानपुरा जो कि हमारे शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, तो आइए आज हम बात करते हैं तानपुरे का उद्भव और विकास। आज हम बात कर रहे हैं तानपुरे के बारे में। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा। तानपुरा शास्त्रीय संगीत का वाद्य है जिसे हम गायन वादन या नृत्य के वक्त इस्तेमाल करते हैं, बजाते हैं। और आज हम इसके उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। तो आइए अब हम बात करते हैं तानपुरे के उद्भव और विकास के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करके जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। सबसे पहले तानपुरे का उद्भव और विकास जो कि हेडिंग है। हमारे संगीत में चार प्रकार के वाद्य माने गए हैं, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद्ध वाद्य, घन वाद्य। तानपुरा इनमें से तत्वाद्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिन वाद्यों में तारों को छेड़कर स्वर उत्पन्न होता है उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि चार प्रकार के वाद्य माने गए हैं, तत्, सुशीर वाद्य, अवनद्ध वाद्य, घन वाद्य। तो तानपुरा तत्वाद्य के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि तत्वाद्यों में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनमें तार होते हैं, जिनमें तारों को छेड़कर आवाज़ उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होता है, तो वो तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। इसलिए तानपुरा भी तत्वाद्य माना गया है। तानपुरा वीणा का ही एक प्रकार है, तानपुरा अथवा तंबूरा। ये तंबूरा नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आगे बताऊँगा तंबूरा नाम क्यों लिया है मैंने। तानपुरा अथवा तंबूरा भारतीय संगीत का लोकप्रिय तत्वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। कहते हैं तानपुरे का आविष्कार तुम्बरू नामक गंधर्व ने किया था, जिन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम तंबूरा रखा और समय बदलने पर धीरे धीरे उसका नाम तानपुरा हो गया। इस वाद्य में पहले एक तार थी, फिर दो, तीन, चार तारें हुई। आधुनिक काल में कुछ तानपुरों में पाँच या छः तारें भी मिलती हैं। शुरुआत से लेकर अब तक तानपुरा भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य बना हुआ है। बहुत से ग्रंथों में हमें तानपुरे के बारे में सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत और रामायण काल में भी तानपुरे का संगीत से संबंध बताया गया है। बच्चों, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम्बरू नामक के गंधर्व हुए थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पर इसका नाम तंबूरा रख दिया। तो स्टार्टिंग में तो तंबूरा रख दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही समय बदला तो तंबूरा से तानपुरा इसका नाम हो गया था। और स्टार्टिंग में इसमें एक तार थी, फिर दो हुई, फिर तीन, फिर चार। तो बच्चों, आज के समय में कुछ ऐसे तानपुरे भी हुए हैं जिसमें पाँच तारे भी होती हैं और छः तारे भी होती हैं, लेकिन मैं आपको चार तारों वाले तानपुरे के बारे में बताऊँगा। बच्चों, यह प्राचीन काल से ही हमारे संगीत क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, जैसे कि बहुत से ग्रंथों में हम इसके बारे में सुनते भी हैं। और यहाँ तक कि महाभारत और रामायण काल के बारे में भी ये बताया गया कि उस समय में संगीत से संबंध था इस तानपुरे का, जिसमें हमने यह जाना कि गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के दौरान गुरु अपने शिष्य को संगीत शिक्षा देते हुए तानपुरे का प्रयोग करते थे। आज भी संगीत क्षेत्र में तानपुरे को शीर्ष स्थान प्राप्त है। सितार के आकार का तानपुरा लेकिन उससे अधिक प्रसिद्ध वाद्य है। उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत में संगीत साधकों के लिए तानपुरा एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, क्योंकि स्वर साधना के लिए तानपुरा ही सर्वोपयोगी माना गया है। इसका स्वर बहुत ही मधुर होने से इसकी झनकार गायक को झनकृत कर देती है और उसका गायन में मन लगा देती है। गायक तानपुरे की तारों को छेड़कर अपने गले के स्वरों को लगाकर
रियाज करता है। इसका उपयोग गाने के अतिरिक्त वादन और नृत्य के साथ भी किया जाता है। तानपुरा संगीत में सहायता करते हुए रस और प्रभाव प्रकट करता है। इससे गायन बेसुरा नहीं होता और उसे अपने द्वारा गाए गए स्वरों की मधुरता और दोषों के बारे में पता चलता है। संगीत संस्थाओं, घरानों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एक शिक्षक अपने शिष्यों को तानपुरे के माध्यम से ही स्वर लगाव सिखाता है। प्रारंभिक शिक्षा भी इसी के द्वारा ही संभव है। कहते हैं कि अगर तानपुरे पर रियाज कर लिया जाए तो गायक को संगीत के स्वरों का ज्ञान हो जाता है, जिसके कारण वह बेसुरा नहीं होता। तानपुरा दो प्रकार का होता है, पुरुष तानपुरा, स्त्री तानपुरा। इन दोनों के आकार में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री की आवाज़ बारीक और ऊँची होती है। तो बच्चों, हमने जैसा कि जाना तानपुरे के बारे में, इसके उद्भव और विकास के बारे में, कि किस तरह से तुमरू नाम के एक ऋषि हुए थे जिन्होंने अपने ही नाम के ऊपर इसका नाम तंबूरा रख दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है बेटा। जब कोई भी गायक स्टार्टिंग में अपनी शिक्षा लेता है, सीखता है, तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है, वो अपने स्वरों को साधता है और बेसुरा नहीं होता। इससे क्या होता है, ये अपने गले का रियाज बनाता है। इन चारों तारों को छेड़कर वह झनकृत हो जाता है और खुश हो जाता है, उसका मन लग जाता है, वह बेसुरा नहीं होता और स्वर लगाव लगाना सीखता है। गायन, वादन, नृत्य तीनों में ही इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बेटा, अब हम आगे बात करेंगे आजकल के तानपुरे के बारे में। तो हेडिंग है आधुनिक समय में तानपुरा। आजकल मूल तानपुरे, मूल तानपुरे का मतलब है जो ओरिजिनल तानपुरे का साइज होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मूल तानपुरा जब भी मैं यूज़ करूँ तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल तानपुरा, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था। आजकल मूल तानपुरे के साथ वैज्ञानिकों ने एक और तानपुरे का आविष्कार किया है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा कहते हैं। तो बेटा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो कि वैज्ञानिकों ने बना दिया था, वो क्या है, बिजली उपकरण है और बिजली से चलता है, जैसा कि मैं बताऊँगा आगे। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बिजली का उपकरण यंत्र है। इन दोनों तानपुरे में इतना अंतर है कि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा मूल तानपुरे के आकार में बहुत छोटा होता है। इसके कारण इसे हम एक अलमारी में भी रख सकते हैं। उसका साइज बेटा इतना छोटा होता है कि हम उसको एक बैग में भी रख सकते हैं, उसको अलमारी में भी रख सकते हैं, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। जो बड़ा तानपुरा है उसको हम बहुत आसानी से नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और उसको बहुत ध्यान से, सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जाता है, क्योंकि उसको टूटने का बड़ा डर रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बनाया है काफ़ी छोटा होता है, इसको हम बैग में भी ले जा सकते हैं और बस इसको हम ऑन करके, स्विच ऑन करके हम इस पर रियाज कर सकते हैं और अपने स्वरों का लगाव कर सकते हैं। इन दोनों तानपुरों में इतना अंतर है कि स्वयं गायक, जो गायक खुद गा रहा है, स्वयं गायक मूल तानपुरे बजाते समय किसी और वाद्य का वादन नहीं कर सकता, परंतु इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे के साथ गायक स्वतंत्र रूप से किसी और वाद्य का वादन कर सकता है, जैसे तबला, सितार, बांसुरी इत्यादि। देखो बेटा, अगर कोई भी गायक तानपुरा बजा रहा है तो जब वो तानपुरा बजाएगा मूल तानपुरे को, अगर उसको गिटार या कुछ भी बजाना होगा, सितार बजाना होगा, तबला बजाना होगा, तो वो नहीं बजा पाएगा, क्योंकि वो उसके हैंड फ्री नहीं होंगे, एक हाथ से वो कैसे बजाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे को हम स्विच ऑन कर दिया जाए, उसको ऑन कर दिया जाए, तो क्या होगा, हम हैंड फ्री हो जाते हैं, हमको तारों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप स्विच ऑन करने से बिजली से बजता है। तो हम साथ में तबला भी बजा सकते हैं, हारमोनियम भी बजा सकते हैं, गिटार भी बजा सकते हैं, सितार भी बजा सकते हैं, फ्लूट भी बजा सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा और मूल तानपुरे का मैंने यहाँ पर अंतर बताया है। बहुत से संगीत संस्थाओं और घरानों में मूल तानपुरे का ही प्रयोग होता है, क्योंकि मूल तानपुरे के स्वरों का आनंद ही अलग है। देखो बेटा, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने बना जरूर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल तानपुरा होता है उसका आनंद अलग है। जब हम उनके स्वरों को, जब उसके तारों को बजाते हैं, तो उसमें से जो स्वर निकलते हैं वो एकदम ओरिजिनल होते हैं, जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हमने जाना तानपुरे के उद्भव और विकास के बारे में और आधुनिक समय में तानपुरा। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी इसमें डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं संगीत के विषय पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।